एकदम ग्रीन ग्रीन बैम्बूज है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे आप कुछ कांटे भी देख सकते हैं, और एकदम आप ही पेड़ देख सकते हैं कितना मतलब जैसे झुकता हुआ जा रहा है, इसकी शेप ही एकदम अलग सी हो रही है। और आज हम आपको दिखाएंगे नेवटा डैम, जो कि आप देख सकते हैं, और वहाँ का व्यू जो होने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। आप हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और हमारे इस चैनल में जो भी नए आए हैं और अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से जाके रेड सब्सक्राइब वाले बटन को ग्रे कर दीजिए, और जिसके साइड में घंटी भी है ना वो भी दबा दीजिए। चलो चलते हैं। की तरफ जाते हुए ये डैम दीवारें हैं। डैम का नाम हमेशा नहीं दिख रहा है। यहाँ से अगर आप यहाँ तक
का व्यू देखते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है। मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर आए और आप लोग यहाँ पे फुल एंजॉय करेंगे। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे हेयर हैज वाटर बीन कनेक्टेड फॉर द विलेजर्स एंड विलेजर्स यूज फॉर एग्रीकल्चर। जलकुंभी जो कि पानी में होती है, रूटेड एक्वेटिक प्लांट होते हैं। और ये आप देख रहे हैं पूरे चारों तरफ ये है जलकुंभी और एक उधर की तरफ भी है जलकुंभी। पे आते हैं और अगर आपको पिकनिक मनाया तो ये पिकनिक स्पॉट बहुत ही एकदम बहुत बेस्ट रहेगा। और आप लोगों को यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे पिकनिक मनाए तो आप यहाँ पे जरूर बनाए जो कि आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। यहाँ पे दूंगी कि आप लोग यहाँ पे जब भी हैं जरूर आए और आप ये वाली जो प्लेस है बिल्कुल भी मिस मत करिए। यहाँ का पूरा चारों तरफ का व्यू एकदम बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और जो नए हैं फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और डोंट मिस द एंड।